तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे आज की ब्रेकिंग न्यूज जो निकल के आ रही है, सबसे बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है वो शिबा इनू कॉइन की तरफ से है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक रेशियो निकल के आ चुका है जहाँ की वेल्स की जो होल्डिंग है टोटल सप्लाई की 26% जो होल्डिंग है दोस्तों अब वो वेल्स के पास चली गई है। इसका दो बड़े मतलब होते हैं दोस्तों। मैं आसान शब्दों में आपको समझाना चाहता हूं कि वेल्स तभी इन्वेस्टमेंट करते हैं जब उनको पता हो कि आगे कोई न्यूज़ हो या फिर दोस्तों वो आपके पैसे को लपेटना चाहते हैं। अब लपेटने का मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर शिबा इनू की जो नेट फ्लो है वो 176% बढ़ चुकी है। अब फ्लो का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मैं इसे आसान शब्दों में बताऊं दोस्तों तो इनफ्लो का मतलब होता है बढ़ती हुई बाइंग रेंज और आउटफ्लो का मतलब होता है दोस्तों बढ़ती हुई सेलिंग ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो जो इनफ्लो और आउटफ्लो का कॉम्बिनेशन, इसमें हमें अभी रिसेंटली इनफ्लो में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और ज़्यादातर जो बाइंग हुई है वो वेल्स की तरफ से हुई है। अब दोस्तों ये बात तो क्लियर नहीं है कि वेल्स ने किस लिए बाय किया, क्योंकि दोस्तों जब किसी टोकन की 26% सप्लाई वेल्स के पास आ जाती है तो दोस्तों वेल्स जब भी सेलिंग करते हैं तो दबा के सेलिंग करते हैं, मतलब कि एकदम डंप करके रख देते हैं। लेकिन दोस्तों एक खुशखबरी भी हो सकती है कि दोस्तों यहाँ पे वेल्स तभी बाय करते हैं जब उनको पता हो कि आगे बड़ी न्यूज़ आने वाली हो या फिर दोस्तों शिबा एक बार फिर से एक नई रैली दिखाने वाली हो इस साल दोस्तों। इसलिए हो सकता है वेल्स ने यहाँ पे तगड़ी इन्वेस्टमेंट करी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं दो सिचुएशन देख पा रहा हूँ। अगर आपने अपना ज़्यादा पैसा यहाँ डाल दिया दोस्तों तो नीचे स्टॉप लॉस लगा के रखें जिससे कि आपके पैसे डूबे ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किए, देखिए दोस्तों एक मौका हो सकता है, ये बड़ा मौका हो सकता है पैसे कमाने का। मैं मानता हूं दोस्तों, मैं कभी आपको नहीं कहता हूं कि आप ज़्यादा पैसे किसी एक कॉइन में लगाएं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट शिबा पे कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है आगे न्यूज़ आ जाए। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस नीचे लगा लीजिएगा जिससे आपका नुकसान होने से बच जाए। बाकी दोस्तों शिबा एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉइन है, आगे अपडेट निकल के आने वाली है, 2-3 मेजर अपडेट जिससे शिबा में एक मेजर रैली की शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में आपको शिबा के रिगार्डिंग एक्चुअल अपडेट देता रहूंगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दूसरी जो अपडेट यहाँ पे निकल के आई दोस्तों, यहाँ पे बाइनेंस को लग चुका है दोस्तों 1,2,3,4,000 का नहीं दोस्तों, यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें दोस्तों 1,10,100,000, 10,000 लाख, 7,50,000 डॉलर का फाइन। और 7,50,000 डॉलर कोई छोटी मोटी फाइन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे टर्की की तरफ से लगा दिया गया है बाइनेंस पे इतना बड़ा फाइन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्रिप्टो लॉ है टर्की की, उन्होंने दोस्तों अगर देखिएगा तो पार्लियामेंट तक पहुँच गई है क्रिप्टो लॉ, जहाँ के दोस्तों टर्की के दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे टर्की के तरफ से बाइनेंस एक्सचेंज पर इतना बड़ा फाइन भी लगाया गया है। और आगे हो सकता है कि टर्की की तरफ से अपडेट उतने मज़ेदार ना आए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे एक सॉफ्ट सिग्नल दे दिया गया है बाइनेंस पे फाइन लगाने के थ्रू कि आगे हो सकता है कुछ बैड न्यूज़ निकल गया है जिससे मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अभी अगर हम क्रिप्टो मार्केट को भी देखें दोस्तों तो मार्केट उतना ज़्यादा पॉजिटिव संदेश नहीं दे रही है, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन लगभग 1.14% नीचे, इथेरियम लगभग 1% नीचे है और मार्केट के सारे मेजर कॉइन जो है लगभग दोस्तों नीचे आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर टर्की की तरफ से कोई भी खराब न्यूज़ निकल के आती है तो मार्केट एक बार फिर से डंप हो सकती है, तो थोड़ा तैयार रहने की जरूरत है। बाकी दोस्तों मैं यहाँ से ज़्यादा डंप नहीं देख रहा हूँ, लेकिन दोस्तों फिर भी थोड़ी मोड़ी डंपिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि किसी कंट्री की तरफ से भी अगर क्रिप्टो को लेकर कुछ भी किया जाता है दोस्तों तो उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी पड़ता है और इस बात को आप अच्छे से समझते होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही होगा, अगर कोई पॉजिटिव अपडेट आ गई तो मार्केट तेज़ी से रिकवरी भी दिखा सकती है, क्योंकि दोस्तों इंडिया की तरफ से पॉजिटिविटी बरकरार है। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और भैया अगली अपडेट जो है भैया चार्ल्स हॉकिंसन की तरफ से, भैया नाम आपने शायद से नहीं सुना होगा लेकिन इनका नाम है दोस्तों बड़ा ही कमाल का, क्योंकि ये है कार्डेनो के मेन डेवलपर दोस्तों, या फिर कह लीजिए कार्डेनो के CEO दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने अपडेट शेयर की है कार्डेनो बेस्ड स्टेबल कॉइन की दोस्तों, जिसका नाम अगर आप सुन लेंगे तो काफ़ी मज़ेदार हो जाएगा, डीजेड इसका नाम रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे अगर देखें तो डीजेड यहाँ पे लिखा गया है। और भैया यहाँ पे इस अगर कॉइन की हम अपडेट की बात करें तो भैया चार्ल्स हॉकिंसन की तरफ से दोस्तों, जो कि कार्डेनो की फाउंडर है, CEO है, कुछ भी कह लीजिए दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इनके तरफ से ये अपडेट शेयर की गई है। तो हो सकता है कार्डेनो जो काफ़ी दिनों से नीचे आके कंसोलिडेट कर रही है उसमें आपको एक बार फिर से थोड़ी बढ़ोतरी की शुरुआत हो जाए। लेकिन दोस्तों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कार्डेनो अभी 325 रुपये से ऊपर या फिर 225 रुपये रख लीजिए दोस्तों, 225 रुपये से ऊपर नहीं जा सकती है, 300 का रेंज बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कार्डेनो को अभी मैं देख रहा हूँ 225 रुपये से ऊपर शायद से भी नहीं जा पाएगी, क्योंकि जो ओवरऑल सप्लाई है दोस्तों, ओवरऑल मार्केट कैपिटल कार्डेनो की है, उससे दोस्तों अभी ब्रेक कर पाना कार्डेनो को 200 रुपये
थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक रैली की शुरुआत कार्डेनो में हमें देखने को मिल सकती है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको कार्डेनो के रिगार्डिंग अपडेट करता रहूंगा। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्ल्ड चेस चैंपियंस मैंगस चार्लसेन, दोस्तों जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ मैंगस चार्लसेन की, दोस्तों उन्होंने कम्पिटिट किया दोस्तों एक BTC के बुलेट टूर्नामेंट में, जो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। क्योंकि देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियन है दोस्तों ये, इन्हें बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो प्राइस रखा गया वो BTC में रखा गया, तो दोस्तों हो सकता है बहुत सारे नए लोग इनके चलते क्रिप्टो में आ जाए दोस्तों। अगर इस तरीके के 2-3 और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर, प्रमोटर या फिर फिल्म स्टार जो है क्रिप्टो को लेकर के काम करने लग जाए, तो आगे आने वाले साल में दोस्तों क्रिप्टो में एक गजब की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है। नए यूजर्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है, बट दोस्तों ये हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि अगर कोई नया बंदा क्रिप्टो में आता है दोस्तों, तो ये काम हमारा होना चाहिए कि हम उन्हें सही चीज़ बताएं, सही नॉलेज दें। क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर क्रिप्टो में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा आशा और उम्मीद के साथ आता है दोस्तों, तो ये हमारा मेजर फर्ज बनता है कि भैया हम उनके साथ जो है करेक्ट नॉलेज शेयर करें, करेक्ट एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि दोस्तों उनका नुकसान कम से कम हो और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों आज दिन हो गई है 25 दिसंबर, बात कर लेते हैं थोड़े दोस्तों मोस्ट प्रॉफिटेबल कौन से कॉइन रहे इस सालों में। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी मीम टोकन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, और दोस्तों यहाँ पर एक लिस्ट निकल के आई जहाँ के दोस्तों इथेरियम, बिटकॉइन और मैटिक जो है दोस्तों 2021 के एंड में मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट्स के लिस्ट में आ जाते हैं क्रिप्टो मार्केट में, जहाँ के दोस्तों मैटिक एक बहुत ही जबरदस्त कॉइन थी। और दोस्तों मैंने आपको कई बार कहा था, लोग कह रहे थे दोस्तों सिट कॉइन है, जब इसकी प्राइस 55 रुपये 58 रुपये थी तब मैंने कहा था दोस्तों ये एक ऐसी कॉइन है जो आपको जबरदस्त प्रॉफिट दे सकती है, बस इसे समझना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो भैया यहाँ पे भैया मैटिक जो है कमाल करके दिखा चुकी है, अब अगर पकड़ने की कोशिश करते हैं तो प्रॉफिट के चांसेस 50-50 हो जाते हैं दोस्तों। मैं ज़्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैटिक पहले से बढ़ चुकी है, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकती है, बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों एक लिमिट होती है, एक बार में एक कॉइन इतनी ही आगे बढ़ सकती है, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा कम हो सकता है, बट एक लिमिट को अगर आप फॉलो करेंगे तो भैया कभी नुकसान नहीं करेंगे, वरना अगर प्राइस के पीछे भागते रह जाएंगे तो भैया हमेशा जो है आपको नुकसान होता रहेगा, क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता भैया कौन सी कॉइन कहां तक जाने वाली है। ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो मैटिक को अगर यहां भी परचेस करते हैं तो मैं मैटिक को अगले 5 सालों में लगभग 2 से 2500 रुपये के करीब देख रहा हूँ दोस्तों। अगर जिस तरीके से काम आगे चल रहा है, अगर इसी तरीके से मैटिक अपने आप को डेवलप करती रही तो मैटिक बहुत आगे जा सकती है। और दोस्तों अगर आज की फाइनल अपडेट की बात करें दोस्तों, तो ये अपडेट थोड़ी अच्छी है, दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि दोस्तों डोनेशन जो हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और 2021 में हमें 600% की पंप देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पंप होती है दोस्तों, क्योंकि 600% माने 6x हो चुका है जो ओवरऑल डोनेशन का सीन है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो डोनेशन के माध्यम से लोगों को एक पॉजिटिव नोट जाता है, पॉजिटिव मैसेज जाता है, और आगे क्रिप्टो करेंसी का प्रचार भी होता है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को समझेंगे, देखेंगे और यूज़ भी करेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बिल्कुल सही और सटीक क्रिप्टो अपडेट पहुँचाते हैं, जिससे कि आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइज और लॉसेज बिल्कुल ना हो। नीचे हमारी VIP एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर से आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड।